अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत होंगे। इस वक्त मैं आपके लिए 2023 सीजन की लेटेस्ट वीडियोस लेकर आया हूँ। लेटेस्ट वीडियोस में टॉप क्लास की कामोरी गोट्स का कंपटीशन होने जा रहा है। बकरा ईद सीजन के फौरन बाद ये कंपटीशन है। कहाँ है कंपटीशन और कितनी गोट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है तो मैं आज आपको बताऊंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड तक आपने देखनी है। पूरे कॉम्पिटिशन की वीडियो शेयर करेंगे। जितनी ब्रीड्स यहाँ पर मौजूद है वो सारी की सारी ब्रीड्स मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो सिंध की शान है, जो कल्चर है सिंध का, टॉप ऑफ द लाइन कामोरी गोट्स आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से इनकी ब्यूटी और इनकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये समझ लें पूरी वर्ल्ड में जो कि अपने हुस्न की वजह से मशहूर हैं, और इनकी क्वालिटी, इनकी क्लास आप चेक कर सकते हैं। इनके जो ओनर हैं वो हैं वसीम राजपूत। ये वसीम राजपूत की कामोरी गोट्स हैं, और ये जो कॉम्पीट कर रही हैं वो कॉम्पीट कर रही हैं गुलाम मोहम्मद डायरी से, जो कि नवाबशाह वाली साइड के गुलाम मोहम्मद डायरी, और जो वसीम राजपूत हैं वो फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत? अच्छा, कंपटीशन में आप मौजूद हैं। कंपटीशन के कुछ रूल्स बताएं, क्या कानून होते हैं, क्या कायदे होते हैं, कुछ वो हमारे साथ शेयर करें। कंपटीशन के ये थे कानून रॉयल होते हैं, इसमें माल लड़ाते हैं, ठीक है, जिसका माल उसमें ज्यादा होता है, ठीक है, उसको नंबर दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा ब्रीडर है। अच्छा, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या इसकी एज है, इसकी सारी डिटेल शेयर करें। दो दांत एज है, ठीक है, मुंह देखो, सिंग देखो, कलर देखो, गर्दन कलर सही है। अच्छा, ये कौन सी पेडिग्री में से कामोरी की? ये देखिए, डेल बकरी में, डेल बकरियों में से। ये पक्का दो दांत का है? दो दांत से ज्यादा है? अब दांत चेक करा सकते हैं? दांत चेक कराएं। ये देखो, दो दांत का, दो दांत सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चला के दिखाएं व्यूअर्स। ये दो दांत का बकरा है और ये टॉप ऑफ द लाइन है, यानी कामोरी के अंदर समझ लें एक सुपीरियर क्वालिटी का मेल आप इसको कह सकते हैं। एज अ ब्रीडर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और एज अ ब्यूटी कंपटीशन में भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ये क्वालिटी अगर होती है मेल्स में तो उनको ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। अच्छा ओनर भाई, कुछ पॉइंट्स भी बताएं कि क्या पॉइंट देखे जाते हैं कामोरी बकरी अच्छी, मुकाबले की बकरी कैसे देखी जाती है? मुंह हो, इसका ये झालर हो, और कलर अच्छा हो। कलर, कलर किस तरह अच्छा हो? अब जैसे कलर तो काफियों के मुनफरिद है, डिफरेंट है, तो इसमें बकरी का है या जो बकरी तुमने छोड़ी वो वाली जी, इसको अच्छा माना जाता है? अच्छा, यानी ये जो स्पॉट है कम हो, छोटी हो, छोटे हो, सही सही सही। गुलाम मोहम्मद डायरी की, जो कि सिंध के एक नामवर शौकीन है, और समझ ले कोई पिछले कोई 8 से 10 साल से नंबर वन होते हुए आ रहे हैं, इनकी ये टॉप ऑफ द लाइन गोट्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। अब इनसे हम मिलेंगे भी और इनकी गोट्स की डिटेल्स भी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, सब खैरियत है, तबीयत ठीक है। अच्छा सर, कुछ अपनी गोट्स भी बताएं, गोट्स दिखाएं हमारे व्यूअर्स को भी, थोड़ी सी चलवा के भी दिखाएं, और अपनी एक एक गोट की डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। व्यूअर्स आप चेक करें अर्ली बकरी, और इसकी क्वालिटी और इसकी क्लास आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा गुलाम अजहर भाई, इसमें हमें ये भी बताएं कि इसमें क्या पॉइंट देखे जाते हैं कामोरी के अंदर? कामोरी की हर चीज देखी जाती है, सिंग से, मुंह से, चमड़ी से, कान से, सही, हर पॉइंट जो चेक की जाती है, कलर जो चेक किया, कलर भी चेक किया जाता है, जो हर चीज उसकी पॉइंट पूरी होती है वही बकरी जो है वो नंबर सही से। इसके बारे में बताएं। हाँ, ये भी हमारी एक कामोरी नस्ल में से मिठड़ी बकरी थी, मिठड़ी बकरी उनमें से है, दोनों बहनें आपस में माशाल्लाह जुड़वा है। व्यूअर्स चेक करें, दोनों जुड़वा बहनें और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से, चेक करें आप माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका हुसन चेक करें, दोनों बहनें हैं लेकिन ब्यूटी में दोनों बेमिसाल है। अच्छा सर, एक आपकी बड़ी मशहूर बकरी होती थी जिसको 27 लाख में आपने परचेज किया था, वो उस वक्त की दुनिया की सबसे महंगी तरीन बकरी थी, उसकी क्या डिटेल्स है, उसकी क्या प्रोजेनी आपके पास इस वक्त मौजूद है? इस वक्त हमारे पास मेले में उनका नस्ल मौजूद नहीं है, ठीक है, घर पे उनका एक बकरा ब्रीडर भी है, ठीक है, 6-7 बकरियां भी उसके नस्ल उस नस्ल में से है आपके पास, गर्मी की वजह से मेले में हम नहीं लेकर। सना वाली राव भी बैठे हैं, कैसे हैं सर? फारग हो जाए और ठीक है। ये बहुत जबरदस्त किस्म के शौकीन हैं, गुलाबी में, कामोरी में, और काफी टाइम से बहुत पुराने शौकीन भाई, सनम का शौक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, सनम भाई भी साथ हैं गुलाम अजहर भाई के, और ये बहुत पुराने शौकीन है, और गुलाम मोहम्मद भाई बोल रहे हैं कि सनम अली राव भाई हमारे उस्ताद हैं, ये काफी ब्रीड्स में टॉप ऑफ द लाइन है, इन्होंने गुलाबी में भी काफी नाम कमाया है, कामोरी में भी, और पटेरी का भी इनका काफी एक्सपीरियंस। अब आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि हमें आपने दोनों गोट्स मैंने आपको दिखा दी, अब बिल्कुल क्लियरली वाजिब है, अब आपने ये गोट्स भी देखी है, आपने वो लास्ट वाली जो गोट्स वसीम राजपूत की दिखाई वो भी दिखाई, अब आपने डिसीजन लेना है कि किसकी ब्यूटी में, पॉइंट्स में किसकी गोट्स आगे हैं, वो आपने कमेंट में हमें बताना है। अगर यहाँ डिसीजन नहीं होता तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है
कि जो गोट्स की जो यहाँ पर क्वालिटी है या ब्यूटी है वो किसकी अच्छी है आपने बताना है। ये गुलाम मोहम्मद डायरी भाई की है, वो जो मैंने आपको गोट सिखाई वो थी वसीम राजपूत की। मुकाबला था वो अब तक इख्तिताम पे पहुंच गया और जो कामोरी गोट्स के चैंपियन डिक्लेयर हुए हैं वो वसीम राजपूत और गुल्लूनर भाई डिक्लेयर हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खद्दाम सैतो भाई जो कि लीड कर रहे थे सैयद सदा अली शाह की गोट से जातन गोट, उन्होंने भी पोजीशन हासिल की है जातन की कैटेगरी के अंदर, इन्होंने कामोरी के अंदर पोजीशन हासिल की। सिंध की सकाफत है और माशाल्लाह से सिंध में इस तरह के मेले होते रहते हैं और ये जो सकाफत ये सिंध की जो कामोरी बकरियाँ हैं ये इसी तरह आबाद हैं और हमारे जो शौकीन है इसी तरह उम्मीद करता हूँ सब अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।